हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सीएस ऋतु। सितंबर क्वार्टर की अर्निंग्स का सीजन अब ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, बट कल दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट आने वाले हैं। कंपनीज का नाम है एनएमडीसी लिमिटेड एंड एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। एनएमडीसी लिमिटेड की अगर बात करें, इस शेयर में अच्छे रिटर्न्स आए हैं। करंटली स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, 175 पे आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। पास्ट वन मंथ में स्टॉक 6% तक बढ़ा है एंड पास्ट सिक्स मंथ में एनएमडीसी लिमिटेड का स्टॉक 64% तक बढ़ चुका है एंड ईयर टू डेट ये स्टॉक 39% तक बढ़ चुका है। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की अगर बात करें, इस शेयर में कुछ गिरावट आई है लास्ट वन मंथ में स्टॉक 18% तक करेक्ट हुआ है, बट सिक्स मंथ में ये स्टॉक 14% तक बढ़ चुका है एंड ईयर टू डेट ये स्टॉक 34% तक बढ़ चुका है। कल इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट हैं सितंबर क्वार्टर के। सो इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसी परफॉर्मेंस ये कंपनीज रिपोर्ट कर सकती हैं, एनालिस्ट का क्या ओपिनियन है, कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है, इन सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एनएमडीसी लिमिटेड की अगर बात करें, कंपनी के रिजल्ट्स नॉर्मली मार्केट आर्स के बाद ही आते हैं। एनएमडीसी लिमिटेड ने लास्ट क्वार्टर यानी कि जून क्वार्टर में सेल्स रिपोर्ट करी थी 5395 करोड़ की एंड कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था 1653 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर आया था 5.64 रुपीज का। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में यानी कि जून क्वार्टर में लास्ट ईयर जून क्वार्टर से रेवेन्यू में भी इंक्रीज रिपोर्ट किया था एंड नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज रिपोर्ट किया था। सितंबर क्वार्टर के अब रिजल्ट्स आने हैं। लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर की एनएमडीसी लिमिटेड की परफॉर्मेंस अगर हम देखें, लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था 3328 करोड़ का एंड नेट प्रॉफिट आया था सिर्फ 972 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर कंपनी ने रिपोर्ट किया था 3.32 रुपीस का। इस बार एक्सपेक्टेशन है एनालिस्ट की कि कंपनी की परफॉर्मेंस लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर से इम्प्रूव होगी, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें, जून क्वार्टर से कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो यहां पर डिक्लाइन कंपनी रिपोर्ट करेगी। आईसीआईसी सिक्योरिटीज के एनालिस्ट का एस्टीमेट है एनएमडीसी लिमिटेड के सितंबर क्वार्टर से रिजल्ट से कि कंपनी सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकती है 4216 करोड़ का। कंपनी का रेवेन्यू वाईओवाई बेसिस पे इम्प्रूव होगा। वाईओवाई बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में 27% का इंक्रीज कंपनी रिपोर्ट करेगी, बट लास्ट क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू 22% डिक्लाइन होगा। नेट प्रॉफिट के लिए आईसीआईसी सिक्योरिटीज के एनालिस्ट का एस्टीमेट है कि एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का नेट प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में 1068 करोड़ आ सकता है। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% इंक्रीज होगा, बट लास्ट क्वार्टर से नेट प्रॉफिट 36% डाउन रहेगा, ऐसा एनालिस्ट का एस्टीमेट है। और एबिट्टा के लिए एनालिस्ट का एस्टीमेट है, एबिट्टा आएगा 1348 करोड़ का। एबिट्टा में भी इंप्रूवमेंट होगा, लास्ट ईयर से 58% का इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन लास्ट क्वार्टर से एबिट्टा डिक्लाइन होगा अराउंड 32%, ऐसा आईसीआईसी सिक्योरिटीज के एनालिस्ट का एस्टीमेट है। आप रिजल्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना। एंड क्या कल रिजल्ट्स के साथ एनएमडीसी लिमिटेड में डिविडेंड भी आने वाला है? कंपनी के बोर्ड मीटिंग के नोटिस में डिविडेंड का कोई मेंशन नहीं है। सो कल सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स ही अप्रूव होने हैं सितंबर क्वार्टर के। डिविडेंड अभी एनएमडीसी लिमिटेड में नहीं आने वाला है। कंपनी के पास्ट ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो पास्ट ट्रेंड्स के हिसाब से नॉर्मली दिसंबर मंथ में या फरवरी मंथ में एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से डिविडेंड आता है। एनालिस्ट की व्यू की अगर बात करें स्टॉक पे, तो एनालिस्ट स्टॉक पे बुलिश है। 180 के टारगेट एनालिस्ट स्टॉक पे देखते हैं। 165 से 167 का एंट्री का लेवल एनालिस्ट ने इस स्टॉक के लिए बताया है और एनालिस्ट ने स्टॉप लॉस का लेवल स्टॉक के लिए बताया है 160 रुपीस का। बट ये कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी बाय सेल करने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। एंड एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की अगर बात करें, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड डीमर्ज कंपनी है एनएमडीसी लिमिटेड की। एनएमडीसी लिमिटेड से डीमर्जर हुआ है कंपनी का और उसके बाद इस कंपनी की सेपरेट लिस्टिंग हुई है स्टॉक एक्सचेंज में इसी ईयर में 24 फरवरी 2023 को। और लिस्टिंग के बाद से इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न आए हैं। लिस्टिंग के बाद से अब तक ये स्टॉक 34% तक के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। सो इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है सितंबर क्वार्टर के? एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का 3 MTPA का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है नागरनौर छत्तीसगढ़ में। इस प्लांट का कमर्शियल प्रोडक्शन अब स्टार्ट हो गया है। प्लांट का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है 31 अगस्त 2023 से। कंपनी लास्ट फ्यू क्वार्टर से रेवेन्यू रिपोर्ट नहीं कर रही थी बिकॉज कंपनी का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। अब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद ये पहले रिजल्ट्स हैं कंपनी के। अब देखना होगा कि कैसी परफॉर्मेंस कंपनी रिपोर्ट करती है, क्या इस क्वार्टर में कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट करती है या नहीं।
एंड एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के रिजल्ट्स में ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट आता है। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में इंडियन गवर्नमेंट 60.79% का स्टेक होल्ड करती है। इस स्टेक में से अराउंड 50.79% का स्टेक एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का इंडियन गवर्नमेंट सेल करना चाहती है प्राइवेट प्लेयर को, और उसके बाद जो 10% का स्टेक इंडियन गवर्नमेंट का बचेगा वो गवर्नमेंट ऑफर करेगी एनएमडीसी लिमिटेड को। बट न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी के लिए एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का डिसइन्वेस्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने होल्ड पे रख दिया है, क्योंकि वहां की लोकल गवर्नमेंट इस डिसइन्वेस्टमेंट को अपोज कर रही है। और अभी एक्सपेक्टेशन है कि एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का डिसइन्वेस्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट करेगी नेक्स्ट ईयर के लोकसभा इलेक्शंस के बाद, जो कि होने हैं नेक्स्ट ईयर मई में। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के शेयर में इस न्यूज के बाद गिरावट भी आई थी। सो एनएमडीसी स्टील के डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट आता है रिजल्ट्स के साथ, ये देखना भी बहुत जरूरी होगा रिजल्ट्स में। सो एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के रिजल्ट्स का एनालिसिस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो अब एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का शेयर क्या लेवल दिखा सकता है। लास्ट जब मैंने स्टॉक को कवर किया था तब मैंने बताया था कि स्टॉक के लिए सपोर्ट जोन है 40 से 39 के लेवल पे, और अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 39 के लेवल को टेस्ट किया और उसके बाद स्टॉक में फिर से तेजी आई है। अब मुझे स्टॉक के लिए नजर आता है लेवल रेजिस्टेंस का 45 से 46 का, और सपोर्ट जोन का लेवल नजर आता है 39 से 36 रुपीस के। अगर इन लेवल से नीचे स्टॉक में क्लोजिंग आती है तो फिर मेरा व्यू ये है कि ये स्टॉक गिर सकता है, और अगर 46 से ऊपर की क्लोजिंग स्टॉक में आती है तो फिर स्टॉक में फर्दर तेजी आएगी। नेक्स्ट लेवल क्या है इस पर हम आपको अपडेट कर देंगे वीडियो बना के। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।